साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की गढ़ी खुदाबख्श आमद। साबिक सदर ममलुकत ने गढ़ी खुदाबख्श में शोहदा की मज़ारों पर हाज़िरी दी। आसिफ जरदारी ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पर फूल चढ़ाए और फातह खानी की। बेगम नुसरत भुट्टो, शहीद मीर मुर्तज़ा भुट्टो, शहीद शाहनवाज़ भुट्टो के मज़ारों पर हाज़िरी दी और फातह खानी भी की। साबिक सदर आसिफ जरदारी की गढ़ी खुदाबख्श आमद। सदर ममलुकत ने गढ़ी खुदाबख्श में शोहदा के मज़ारों पर हाज़िरी दी। आसिफ जरदारी ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पर फूल चढ़ाए और फातह खानी की। बेगम नुसरत भुट्टो, शहीद मीर मुर्तज़ा भुट्टो, शहीद शाहनवाज़ भुट्टो के मज़ारों पर हाज़िरी दी और फातह खानी की। नुमाइंदा कैपिटल टीवी अक्रम बलोच हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे लेंगे। अक्रम, क्या तफसीलात हैं आपके पास इससे मुतालिक? अकरम, बताइएगा कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से गढ़ी खुदाबख्श का दौरा किया गया है, इससे मुतालिक क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, साबिक सदर मुमलकत तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर आसिफ अली जरदारी गढ़ी खुदाबख्श पहुंचे हैं। साबिक सदर ने गढ़ी खुदाबख्श में शोदा की मज़ारों पर हाजिरी दी है। सदर आसिफ अली जरदारी ने शहीद जुल्फकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की मज़ारों पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातह खानी की। साबिक सदर ममलकत ने बेगम नुसरत भुट्टो, शहीद मीर मुर्तज़ा भुट्टो और शहीद शाहनवाज भुट्टो की मज़ारों पर भी हाजिरी दी और फातह खानी की। जी